सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और पिछली बार अपने 10 पॉइंट लिए थे, कौन सा सम किया था वो प्लस माइनस वाला किया था इंटीजर और फ्रूट के। और आज हम करेंगे एक फंक्शन का प्रॉब्लम, जिससे हमें 5 पॉइंट और मिल जाएंगे और फर्स्ट आर मिल जाएगा हमें एक रैंक पर। तो चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको समझाने के लिए फंक्शन किस तरह से काम करता है वो, तो आपको देखना तो देख लीजिए। आप अकाउंट पे अकाउंट बना लीजिए और लॉग इन करके फंक्शन इन सी का इंट्रोडक्शन में है वो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। और हम शुरू करेंगे टास्क से। हम अब सब वीडियोस में हम टास्क से शुरू करेंगे और आप ये पढ़ लेना और अकाउंट पे लॉग इन कर। तो चलो, राइट अ फंक्शन इंट मैक्स ऑफ 4 इंट ए इंट बी इंट सी इंट डी विच रीड्स 4 आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। तो ऐसा फंक्शन लिखना है और ये लिखना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो रिटर्न करना चाहिए। और नोट है, द इज नो बिल्ट इन मैक्स फंक्शन। तो हमारे पास ऐसा कोई भी फंक्शन बिल्ट इन नहीं है सी में कि जो इंट मेन एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर सके। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इनपुट फॉर्मेट, इनपुट विल कंटेन 4 इंटीजर ए बी सी डी 1 ऑन ईच लाइन। तो इनपुट में हमें 4 इंटीजर लेने हैं ए बी सी डी, उनको फिर फंक्शन में पास करवाएंगे, फंक्शन में कुछ कोड लिखेंगे और जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको रिटर्न करवाएंगे। आउटपुट फॉर्मेट में प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 इंटीजर्स, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करवाना है। और एक नोट है, आई यू विल बी ऑटोमेटिकली हैंडल्ड, इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिकली हैंडल्ड है। ये इसका क्या मतलब है, जो हमारा इनपुट आउटपुट देखो इधर ही प्रिंट होना चाहिए और इसकी जो वैल्यू है मैक्स ऑफ 4 की वो इसमें आना चाहिए आंसर में। तो जो इनपुट आउटपुट है वो कंपेयर संभालेगा, वो ऐसा होना चाहिए इनपुट आउटपुट। तो वही कह रहा है नोट में, सैम्पल इनपुट है 3465 और आउटपुट 6 आ गया। तो चलो कोड करते हैं। और इधर ऐसा आपको सिंटैक्स दिख रहा होगा, तो हमको यही चाहिए लिखा है यूज दिस हियर। हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं तो हमको हमारा मिल जाएगा फंक्शन इधर लिखा हुआ। और इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट करेंगे। फिर इधर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा हम कोड लिखेंगे इधर। इधर एक मैं इंट के लूँगा और अब मैं इफ एल्स लगाऊँगा कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमने हमारे पास चाहे इधर है ए बी सी डी, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी हुआ तो क्या करेंगे, के को देंगे ए, और अगर नहीं हुआ तो एल्स के को देंगे बी। और अब अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं निकाल दे रहा हूँ कि मैंने इधर कर्ली ब्रैकेट्स भी नहीं किए, तो ये अगर आप सीखा हुआ है आपने सीने कुछ भी, तो इफ़ में अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो चलता है, लेकिन कब चलता है ये, अगर सिर्फ एक ही लाइन का कोड है इफ के अंदर तो वो चलेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट मत लगाओ। लेकिन अगर 2-3 लाइन का कोड है इसके अंदर तो कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, लेकिन अगर एक ही लाइन का है तो चल जाता है, नहीं लगाते हैं। और ये हो गया। फिर दूसरी बार इफ़ लगाएंगे कि इफ के इज़ ग्रेटर देन सी, तो कुछ नहीं करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, के इज़ लेस देन सी, कि के इज़ लेस देन सी हुआ तो हम के को सी की वैल्यू ले देंगे। और तीसरी बार इफ़ लगाएंगे कि इफ़ के इज़ लेस देन डी, तो क्या करेंगे, के को हम डी की वैल्यू दे देंगे। इस तरह हमारे पास के में वैल्यू आ जाएगी हाईएस्ट इंटीजर की। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न के कर देंगे, तो के की रिटर्न हो जाएगी और के इधर आ जाएगा और उसकी वैल्यू आंसर में स्टोर हो जाएगी, के की वैल्यू और के की वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी। तो हम पहले रन करके देख लेते हैं कोड को। और कंपाइलेशन एरर आ रहा है इधर, तो कहीं पर तो प्रॉब्लम है हमारे में। और अगर देखा जाए तो इंट के आंसर ये सब सही है। ओके, ये दो बार की आ गया, एक ही बार आना था। तो फिर रन करके देखते हैं। और अब देखो सैंपल टेस्ट करेक्ट आ गया, हमारा आउटपुट उसका आउटपुट सेम है। अब सबमिट कर देते हैं कोड को, और सबमिट पे 4-4 पास हो गए, 5 टेस्ट पास हो गए। और हमको जो है देखो फर्स्ट आर मिल गया हमें सी लैंग्वेज का, तो इसी के साथ हमें फर्स्ट आर मिल गया है। हालांकि इंट्रोडक्शन में 5 सम होते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट आर सिर्फ 3 क्वेश्चन में ही मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोड
एयर के बिना सबमिट करना पड़ेगा, तो आप इधर स्टार रन कर सकते हो। हैकर रैंक पे अगर आपका 3 स्टार हो जाता है, 2 या 3 स्टार, तो आप स्विच कर सकते हो किसी दूसरे ऐप पर, जैसे कि कोड फोर्सेस हो गया, और आप किसी भी ऐप पर स्विच कर सकते हो। लेकिन हैकर रैंक मतलब बेसिक लेवल के लिए सही है हैकर रैंक, तो हमने यूज़ किया, तो कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।